अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ तिला मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू हिंदी उर्दू इंग्लिश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो कतर के आने वाली के लिए और ख़ासकर कतर में जितने भी उनकी मसाइल हैं उनके हल करने के बारे में है। यानी मतलब ये है स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए अव्वल दखूल का जो मसला है उस पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो हमारे कतर के मशहूर व्हाट्सएप ग्रुप ड्यूटी मालूमात ग्रुप पर भी मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अव्वल दुखुल के लेने के लिए अभी आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम है मद्रास 2। आप पहले ये डाउनलोड करें, मैंने पहले ही से डाउनलोड की हुई है। तो इसके लिए इससे आपको अव्वल दुखूल मिलेगा। इसके तरीक़ाकार क्या है, आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद आप इंग्लिश में अगर जाना चाहते हैं या अरबी में, तो आप वो क्लिक करें, नीचे एप्लीकेशन पर इंग्लिश पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कतर आईडी देंगे। कतर आईडी जो ही आपने दे दी तो उसके बाद जो है ना, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कतर आईडी का नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर ले। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं कि आपकी कतर आईडी किस वक्त एक्सपायर हो रही है, इसके लिए आप तारीख डालेंगे वो जो आपकी कतर आईडी में होगा। तो यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर ले कि मेरी जो तारीख है उस पे मैंने डाल दिया। फिर आप दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर ले। यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर ले, तो ये जो मैसेज आया था उसके लिए, उसके बाद आप जिस भी आप अपने मोबाइल से जो है ना वो मैसेज सेंड कर ले। तो जो ही मैंने मैसेज सेंड किया तो उसके बाद आपको उसकी कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया। ये है कि आप इस तरह कर ले कि इसके लिए आपका जो सिम है, जिस सिम से आप काम कर रहे हैं, वो आपके कतर आईडी के अंडर रजिस्टर होगा। बाज़ लोग यहाँ आते हैं तो वो अपना नंबर जो है ना पासपोर्ट के ज़रिए से ले लेते हैं। तो आपको तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा आपका मद्रास, जब तक कि आपका नंबर कतर आईडी से रजिस्टर ना हो। जो ही आप कतर आईडी से रजिस्टर कर लेंगे किसी भी दफ्तर से, उरीदू या किसी दूसरे दफ्तर से, वोडाफोन से, तो वो 3 या 4 दिन लेगा। उसके बाद वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप फिर मद्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको इस किस्म का मैसेज आएगा, जिस तरह ये दो मैसेज आप देख रहे हैं ऊपर, योर रजिस्ट्रेशन विद द फ्री मद्रास सर्विस इज़ एक्टिवेटेड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। और नीचे ये जो दूसरा मैसेज है जो आप देख रहे हैं जिसको, तो ये भी जो है ना आपको फिर आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर इन मद्रास 2 सर्विसेज, द फॉलोइंग इज़ योर एक्टिवेशन कोड्स। ये दो कोड आपको आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो ही मद्रास खोलेंगे तो उसके लिए पार्ट 1 में आप ये पार्ट 1 का कोड डालें, पार्ट 2 में पार्ट 2 का कोड डालें। नीचे आपको पेन कोड आपसे मांगा जाएगा। उस पेन कोड का मतलब है कि पासवर्ड, आप अपनी तरफ से कोई भी पासवर्ड दे दें, को जो भी पासवर्ड हो। उसके बाद आपका मद्रास जो है ना वो फिर ओपन होगा। अच्छा दोस्तों, तो जो ही आप इधर आ जाएँ तो इस तरीके से आप ऊपर आपकी कतर आईडी आ जाएगी, और पार्ट 1 में आप पार्ट 1 का कोड दे दें, पार्ट 2 में पार्ट 2 का कोड दे दें। नीचे पिन कोड में आप अपनी तरफ से कोई भी हिंसा या कोई भी चीज़ जो है ना पासवर्ड के तौर पे दे दी। नीचे रिकॉन्फर्म पिन कोड, यानी दोबारा वो कोड लिख ली जो आपका अपना पर्सनल कोड होगा। फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर ले। जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे वो कोड मांग रहा है जो अभी आपने दे दिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ दे रहा हूँ जो मैं पहले दे चुका हूँ। उसके बाद फिर आप लॉगिन पे क्लिक कर ले। इसके बाद एक्टिवेट पर, एक्सेप्ट पर, तो आपके सामने इस किस्म का स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद आप इस पे फिर जो भी काम आप इसमें करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ये का वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप रेजिडेंसी पे क्लिक कर ले। लेकिन रेजिडेंसी से के जाने से पहले आप अपनी ईमेल को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप ऊपर जो एक तस्वीर का निशान है कोने में, उस पर क्लिक कर ले। नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर ले। उस पर क्लिक करने के बाद आप
यहाँ तीसरे नंबर पर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर ले। यहाँ पर अब अपना ईमेल दे दें। जो ही आप यह अपना ईमेल दे दे, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर ले। प्लीज़ कंफर्म टू सबमिट योर यस, यस पर क्लिक कर ले। फिर उसके बाद डन पर क्लिक कर ले। डन पर क्लिक करने के बाद आप फिर वापस आ जाएं मेन मेन्यू में। इस सेटिंग को बंद कर ले ऊपर क्रॉस के निशान से। अब रेजिडेंसी में जाएं, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंसी में जाने में आप टू होम इट मे कंसर्न पर जब वही आप क्लिक करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। वो कहेगा कि आप अपनी जीमेल को जो है ना वो कंफर्म कर ले। तो जीमेल के कंफर्म कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपका ये अव्वल दुखूल नहीं निकलेगा। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब अभी कॉन्फ़िगर होगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं दोबारा, क्योंकि उधर हमारा जी ईमेल जो था ना वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था, अभी कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट पर क्लिक कर ले। अब दोबारा टू होम इट मे कंसर्न पे क्लिक। यहाँ रिलेशन कतर आईडी में अपने अपने आईडी का नंबर दे दे। आईडी के नंबर देने के फ़ौरन बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर ले। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप नेक्स्ट पर क्लिक कर ले। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, एक मिनट, इस तरीके से कि आपकी अव्वल दुखूल का जो पेपर है वो आपकी ईमेल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर ले। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये पेज आ, उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के आने के बाद आपके अकाउंट में 10 रुपये का कतरी रियाल का होना हो ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके पास वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का होना लाजमी है। ये आपके नाम पर हो या आपके नाम पर ना हो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं। ये फिर आप सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मेरे पास मास्टर कार्ड है, मेरे पास वीज़ा कार्ड है आपके पास या मेरे पास। तो उसके बाद उस वीज़े कार्ड पे जो 11 हिंसों का नंबर है वो लिख ले। नीचे उस आदमी का नाम लिख ले जो जिसके नाम पे ये कार्ड बना हुआ है। नीचे अपनी आईडी की एक्सपायरी डेट लेके और फिर सीवीवी के खाने में आप उस क्रेडिट कार्ड के पीछे अगर आप देख ले 3 हिंसे हैं वो आप लिख ले। जो ही आप लिख लेंगे आप पे पे क्लिक करें। पे पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल पे आपका अव्वल दुखूल चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको अव्वल दुखूल मिल